दोस्तों, अगर आप पॉडकास्ट में इंटरेस्ट रखते हैं और पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्लब हाउस ऐप के बारे में तो पता ही होगा। नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे ऐप जिसकी मदद से आप पॉडकास्टिंग कर सकते हैं, क्लब हाउस की तरह दूसरों के पॉडकास्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फेवरेट टॉपिक पर डिस्कशन करके अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए, हाँ चलो 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 गाइस, मैं कह रहा हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पहले एप्लीकेशन का नाम है फायरसाइड। फायरसाइड आपको एक कॉमन वर्चुअल लोकेशन जिसको हम रूम कहते हैं वो आपको प्रोवाइड कराता है, जिसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं, कॉमन टॉपिक्स जिस पे आप ज्वाइन करके डिस्कस कर सकते हैं लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ। दोस्तों, हमारे दूसरे एप्लीकेशन का नाम है रिफर। रिफर एक न्यू सोशल प्लेटफॉर्म है फॉर माइक्रो पॉडकास्टिंग। इसमें आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ये सिंपली एक ऑडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको लाइव ऑडियो रूम का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन गाइज ये एक अच्छी एप्लीकेशन है अगर आप पॉडकास्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो। दोस्तों, हमारी तीसरी एप्लीकेशन का नाम है लहर। लहर एक लाइव ऑडियो डिस्कशन ऐप है जिसमें आप लाइव डिस्कशन कर सकते हैं, अपने प्राइवेट क्लब बना के अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑडियो चैट रूम बना के लोगों से अपने टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं या आप दूसरों के क्लब को ज्वाइन करके उनके डिस्कशन को सुन सकते हैं और तो और आप नए नए लोगों से इस पर मिल सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। तो गाइस, ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। गाइस, फोर्थ नंबर पे हमारे ट्विटर स्पेस। तो बेसिकली ये एक ट्विटर का ही फीचर्स है जिसमें आपको स्पेस का एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप स्पेस क्रिएट करके लोगों से बातें कर सकते हैं और उन्हें इनवाइट कर सकते हैं अपने स्पेस में या आप किसी दूसरे के स्पेस में जाके ज्वाइन कर सकते हैं एज अ लिसनर या एज अ स्पीकर। दोस्तों, यह क्लब हाउस का एक काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव ऐप है, आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। तो हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पे है फेसबुक लाइव ऑडियो रूम। दोस्तों, ये भी एक फेसबुक का फीचर्स है जिसमें आप अपना लाइव ऑडियो रूम क्रिएट करके लोगों से बातें कर सकते हैं, दोस्तों से बातें कर सकते हैं। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है लाइव ऑडियो का जिसमें आप लाइव ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं जैसे कि आप लाइव वीडियो में करते हैं। दूसरा है गाइस ऑडियो, इसमें आप एक प्राइवेट ऑडियो रूम बना सकते हैं और अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं। तीसरा है वीडियो, जिसमें आप एक प्राइवेट रूम बना सकते हैं और उसमें आप वीडियो पे दोस्तों से बातें कर सकते हैं। तो गाइज, ये थे पांच ऐसे ऐप जिसकी मदद से आप पॉडकास्टिंग कर सकते हैं या लाइव ऑडियो रूम बना के अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं क्लब हाउस की तरह। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।